जय हिंद दोस्तों। भारत से विवाद के बीच मालदीव की राजधानी माले में हुए मेयर के चुनाव में राष्ट्रपति मोइजू की पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। माली के मेयर पद का चुनाव भारत समर्थक मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने जीता। अब एडम अजीम माले के मेयर होंगे। पहले मेयर का पद खुद राष्ट्रपति मोइजू के पास था, लेकिन मोइजू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अजीम 5,303 वोटों से आगे रहे, जबकि मोइजू की पार्टी के उम्मीदवार अजीमा सकूर को 3,301 वोट मिले। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मेयर के चुनावों में मिली जीत मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, जो पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में पीएनसी के गठबंधन से हार गई थी। हिंद महासागर किसी एक देश का नहीं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू 5 दिन के दौरे के बाद शनिवार को चीन से लौटे। राष्ट्रपति मोइजू से वेलाना एयरपोर्ट पर भारत के साथ तनाव को लेकर सवाल किया गया। इसके बाद भारत का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, हमारा देश छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको हमें धमकाने का लाइसेंस मिल गया है। उन्होंने कहा, मालदीव देश छोटा जरूर है, पर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 9,000 स्क्वायर किलोमीटर मीटर में फैला है। मालदीव उन देशों में है जिसकी समुद्र में बड़ी हिस्सेदारी है। हम किसी के बैकयार्ड में हिस्सा नहीं है। उनकी इस टिप्पणी पर फिलहाल भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मोइजू 8 से 13 जनवरी को चीन में थे। यहाँ से लौटने के बाद उन्होंने चीन की तारीफ की, कहा, चीन ने हमारे आंतरिक मसलों में दखल नहीं दिया। चीन ने यह भी कहा कि वो हमारे किसी भी घरेलू मामले पर अपना असर नहीं डालेगा। राष्ट्रपति मोइजू ने हिंद महासागर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, हिंद महासागर किसी एक देश का नहीं, मालदीव इस महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाला देशों में से एक है। भारत से विवाद के बीच मालदीव दौरे पर गए मोइजू को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन मालदीव के राष्ट्रीय हित में किए जा रहे विकास के एजेंडे में उनकी मदद करेगा। मालदीव की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में चीन उनके साथ खड़ा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप विजिट के बाद दोनों देशों के बीच तनाव है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप विजिट का वीडियो शेयर किया था। इस पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इसमें भारत के टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज को लेकर भी कमेंट्स थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था। भारत मालदीव विवाद के 4 कारण। मोहम्मद मोइजू ने अपनी चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया। मोइजू ने सत्ता में आने के बाद भारत के सैनिकों को निकाल लेने के आदेश दिए। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की। मालदीव के 2 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। मंत्री मरियम सियोना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं नेता जाहिद रमीज ने लिखा कि भारत सर्विस के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मरियम यूथ एम्पावरमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड आर्ट की डिप्टी मिनिस्टर थी। उनकी इस पोस्ट पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने कहा, सियोना ने गलत शब्द कहे हैं, ये बात मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि को खतरे में डाल सकती है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार को ऐसी टिप्पणियों से दूरी बनानी चाहिए। नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच खटास आई है। राष्ट्रपति मोइजू चीन के समर्थक माने जाते हैं। वे अपने देश से भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मालदीव में कथित भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था और इसे लेकर कई प्रदर्शन भी हुए। मालदीव की नई सरकार को लगता है कि उनके देश में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी संप्रभुता के लिए खतरा है। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।